ऑल राइट तो एक दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप लोगों से पूछा था हो जाए फिर, तो आप में से 85% लोगों ने बोला यस और 15% ने बोला नो। तो इसका क्या मतलब हुआ? बस बहुत हो गया, टाइम टू डू अ लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपना करंट बॉडी वेट, हाइट एंड फिजिक अपडेट शेयर करना चाहता हूँ। सो हियर इट इज। So this is me on 1st of March 2022, standing at 5'11 and weighing almost 91.5 kgs, which is almost 200 pounds. और अभी की फिजिक को देख के यू कैन क्लियरली सी दैट मेरी बॉडी में फैट मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड मोस्ट ऑफ द फैट इज एक्यूमुलेटेड अराउंड द बेली एरिया। करंटली यू कैन सी पोजिंग और फ्लेक्सिंग करते हुए मसल में डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम क्योंकि जैसे हम प्रोग्रेस करते रहेंगे बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो ड्रॉप होता चला जाएगा एंड मसल में डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम करने क्या वाले हैं। तो इस 90 डेज के ट्रांसफॉर्मेशन में मेरा गोल ये है कि मैं अपने वेट को 91.5 केजी से ड्रॉप करके लास्ट 85 केजी तक लेके जाने वाला हूँ, जिसमें मेरी पूरी कोशिश ये रहने वाली है कि मैं अपने मसल मास को बचा कर रख सकूँ और पॉसिबली अगर थोड़ा ग्रो हो सकता है तो वो कर सकूँ और फैट परसेंटेज को हम ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे और पॉसिबली एक लीन और एस्थेटिक फिजिक, एक एथलेटिक फिजिक जो है उसको हम अचीव करने की कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक फरहान अख्तर डिड इन तूफान मूवी। तूफान मूवी एक बहुत ही अच्छी मूवी थी, स्पेशली कोई भी अगर स्पोर्ट्स की मूवी आती है तो मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। बहुत ही मेहनत करी थी उन्होंने। इस फोटो में यू कैन क्लियरली सी दैट उन्होंने अपने वेट को 69.8 केजी से सबसे पहले 85 केजीज पर वो लेके गए, देन उसके बाद उन्होंने फैट लॉस एक ट्रांसफॉर्मेशन किया जिसमें उन्होंने अपना वेट जो है 76.9 केजीज, विच इज ऑलमोस्ट 77 केजीज तक वो अपने वेट को लेके गए, जहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लीन और एथलेटिक फिजिक जो है वो वहाँ पर अचीव करी है। तो हमारा भी गोल कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। तो व्हाट यू कैन से इज दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ तूफान ट्रांसफॉर्मेशन। सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। ऑलराइट, सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा वर्कआउट जो है वो किस तरीके से रहने वाला है इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। जो है नामुमकिन वही करना है एक दिन। तो मेरी वर्कआउट स्प्लिट कुछ इस तरीके से रहने वाली है। मंडे को मैं ट्रेन करूंगा लेग्स, ट्यूजडे को ट्रेन करूंगा पुश, वेडनेसडे को ट्रेन करूंगा पुल एंड देन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रिपीटिंग लेग्स पुश एंड पुल। रही बात कार्डियो की, तो कार्डियो की ट्रेनिंग मैं करने वाला हूँ मॉर्निंग में, जिसमें एक दिन मैं करूंगा कार्डियो एंड एब्स और दूसरे दिन करूंगा कार्डियो एंड ऑब्लिक्स। तो ये जो शेड्यूल है ये चलने वाला है पूरा 6 days a week, और जिस दिन अगर मुझे लगेगा कि मेरा कोई भी कार्डियो का एक सेशन जो है वो मिस हो जाता है या कोई पर्टिकुलर डे की ट्रेनिंग मिस हो जाती है तो वो मैं कवर कर लूंगा संडेज को। सो दिस इज हाउ माय वर्कआउट विल लुक लाइक फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। और रही बात डाइट की, तो डाइट में मैं शुरुआत में पोर्शन कंट्रोल करने वाला हूँ और माइंडफुल ईटिंग करने वाला हूँ फर्स्ट वीक के लिए। जिस हिसाब से मेरी प्रोग्रेस होगी उसके हिसाब से मैं आगे जो है वो कैलोरीज को मैनिपुलेट करता रहूंगा, मैक्रोस को मैनिपुलेट करता रहूंगा। और इन केस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक डाइट के ऊपर फुल डेप्थ में बनाऊं वीडियो सो दैट आपको भी आइडिया लग सके कि एक फैट लॉस की डाइट कैसी लगती है, तो मेक श्योर आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। बट ये है कि हाँ, थोड़ा सा मैं डेफिसिट में रहने वाला हूँ। ऑल्सो दोस्तों, इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं बनाने वाला हूँ सप्लीमेंट्स के ऊपर, कि इस फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान मैं कौन कौन से सप्लीमेंट्स यूज करने वाला हूँ। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना सो दैट मुझे पता लगे कि दैट यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट वीडियो एज वेल। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग भी दोस्तों इस ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं देन मेक श्योर यू कैन मेल मी एट nikhilnautiyal004@gmail.com फॉर लाइक पर्सनल ट्रेनिंग क्वेरीज। और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग्स हैं, आज पहली तारीख है जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ दोपहर में, और शाम को मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर। तो इफ़ यू वॉन्ट टू लाइक ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, अगर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं
तो डेफिनेटली मेल मी एट nikhilnautiyal004@gmail.com और हम अपनी इस लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी है उसको हम साथ में शुरू कर सकते हैं। तो अर्ली क्वेरीज जो होंगी उनके लिए यू नो डेफिनेटली देयर विल बी सम बेनिफिट। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मैं एक फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहा था, बट यू नो ड्यू टू दिस लॉकडाउन दैट हैपेंड इन अर्ली 2020, एक्चुअली मैं फैट लॉस करने वाला था 2020 मार्च में जो समर था, लेकिन क्या हुआ लॉकडाउन लग गया, देन उसके बाद फिजिक जो है आपको पता है क्या हुआ था। खैर छोड़ो वो सब पुरानी बातें हैं, बट यू नो इट्स अ हाई टाइम और अब करना ही है, तो इसीलिए मैंने बोला था बस बहुत हो गया, नाउ इट्स टाइम फॉर अ लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। सो मेक श्योर बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन और वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए। वन मोर थिंग, ट्रांसफॉर्मेशन के जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको वीकली बेसिस पर देता रहूंगा, लाइक मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या प्रोग्रेस है, तो वो आपको वीकली बेसिस पर मिलती रहेगी। सो मेक श्योर आप मेरे साथ इस ट्रांसफॉर्मेशन में बने रहिए, चैनल पर बने रहिए, एंड अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी गाइस। तूफान पर्वत को तोड़ दे, दरिया को मोड़ दे।